सर इसका मेरू मंत्र पढ़ लीजिए ना, इसका मेरू मंत्र पढ़ लीजिए ना। मैं ये सुनिए ना ना, मेरू मंत्र बढ़िया, मेरू मंत्र बढ़िया, उसमें जिक्र है। मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मेरू मंत्र बोलिए। मैं ये हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बोलिए, आप सीधा जवाब भेज नहीं पाओगे। है क्या जानते हैं साहब आप है क्या अमीश, एक सेकंड, ये रकस क्रिएट करने कुछ नहीं होगा। स्वामी दीपांकर का वक्त है ये अमीश, 15 सेकंड बचे हुए हैं। खाता न भाई जो साहब कहे वो सही, हटा दीजिए वरना यह डिबेट नहीं करने दो। और सुनिए आपका चल रहा है, और सुनिए एक सेकंड हाजी खान, और सुनिए हाजी खान निरंतर क्यों बोल रहे हैं आप, पर आदत है क्या कहिएगा। अब सुनिए आगे की, मैं ये कह रहा हूं कि बोलिए, बोलने में आपत्ति नहीं है। अभी कह रहे हैं हिंदू शब्द बोलिए, टीआरपी मिलता है। सुनिए हिंदू शब्द बोलिए, हिंदुस्तान ये कॉन्टेस्ट में आया है, ये हिंदुस्तान के कॉन्टेस्ट में आया है, हिंदू के कॉन्टेस्ट में नहीं। डिबेट आप ही कर लीजिए सर, ये कोई तुक होता है क्या अमीश, ये आदमी बार बार डिबेट ही नहीं करने दे रहे। आप और दूसरी तरफ कहते हैं कि बोलिए बोलिए, हमेशा से कोई डिबेट नहीं, मेरा निवेदन है, कोई दुख है क्या, कोई बोलता है ना, स्वामी ऐसे होते हैं, नहीं स्वामी गुस्सा नहीं आया, आप गुस्सा टोक रहे थे, गुस्सा नहीं है, मुझे स्वामी ऐसे अच्छा कहीं आपको बोलने ना दिया जाए और आप वहां से चले जाए तो एक नया प्रोपेगेंडा है कि आपको क्रोध आ गया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, हिंदू शब्द बोलिए, हिंदुस्तान बोलिए, टीआरपी मिलेगी। ये भाई साहब खड़े, अगर जो टीआरपी की फुल फॉर्म बता दे मैं डिबेट से भी चला जाऊंगा। अरे पता होगी इनको, अब क्या मैं अभी चला जाऊंगा। आपने बोला देखो कितना घटिया मानसिकता है, टीआरपी आप नहीं तो मेरा शब्द क्या मानसिकता है, नहीं पता ही घटिया मानसिकता है। टीआरपी यार पता तो लगे, मैं बता दूं, मगर मेरा अगर अपमान हो रहा है और मैं अपनी बात करूं तो वो टीआरपी है। ठीक है, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, एक सेकंड टीआरपी बताता हूं इधर। अरे टीआरपी बता देना, अरे बता देना भाई, और जवाब देता हूं इनको, पता चलेगा स्वामी का। ओके प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, ये स्वामी है, बताइए स्वामी इसमें कोई शक है आपको, ये कोई बात नहीं है। मेरा टीआरपी का दीपक, दीपक भाई ने एक अच्छी बात कही थी, कर रहे हैं दूसरे के ऊपर, दीपक भाई ने एक अच्छी बात कही, व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत हो रहे हैं, व्यक्तिगत नहीं, टीआरपी का अर्थ पूछा, ये व्यक्तिगत नहीं था, ये व्यक्तिगत नहीं था, ये व्यक्तिगत नहीं था, टीआरपी का अर्थ पूछ रहा व्यक्तिगत नहीं, टीआरपी का अर्थ पूछ रहा व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत जो था उसमें मैं बता रहा हूं, टीआरपी का अमीश बताओ, टीआरपी का मैं बता रहा हूं, टॉपिक नहीं है, टॉपिक टॉपिक तो हिंदू शब्द का मतलब पूछ रहा नहीं था, सुन तो लो, टीआरपी का अर्थ तो पता कर लो, सबको पता है सर क्यों आ रहे हैं आप, हिंदी उनको नहीं पता इसलिए पूछा गया। हिंदी की एक प्रख्यात कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस बैठ पहुरा है। अब हिंदुस्तान, हिंदू से ही हिंदुस्तान होगा जी, अगर हिंदू नहीं होगा तो हिंदुस्तान कैसे होगा। तो जिसको इसका ही ज्ञान नहीं हो उससे मुझे बहस करनी पड़ रही है, यही मेरा दुर्भाग्य है। मैं ऐसे विद्वान, परम विद्वान को प्रणाम करता हूँ, क्या कहूँ इसको, बड़ी अच्छी व्याख्या की है, वाह वाह, इतनी अच्छी व्याख्या कर दी, अगर हिंदू नहीं तो हिंदुस्तान नहीं, बताइए क्या क्या हिंदुस्तान का नाम, इसका क्या मतलब हुआ, एक मुल्क हिंदुस्तान, ये हिंदुओं की वजह से है, सारे मुसलमान चुप हो जाएंगे, ये सिखों ईसाइयों मुसलमानों की वजह से नहीं है, पर हिंदुस्तान इसका नाम क्यों पड़ा, इसका क्या मतलब, ऋग्वेद के समय कौन मुसलमान था, की वजह से पड़ा, अच्छा ऋग्वेद के समय मुसलमान था, क्या बेतुकी बातें करते हो यार, बेतुकी बातें, आपके पास आया उसके बाद मौलाना, आपके लिए टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, लिख लेना जाके कहीं आगे कोई पूछे तो बेइज्जती ना हो। वन, दूसरा दूसरा अपनी बात, हाँ दूसरा दूसरा, एक बच्ची ने कहा कि ऑल ऑडियंस डाउन, शिवम त्यागी का ऑडियो खोलिए, फिर हाजिक खान का, एक बच्ची ने कहा कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सुधीर सूरी है, इनके पास 11 गनर हैं, ये पंजाब के रहने वाले थे, क्या हुआ कि एक मंदिर में कुछ मूर्तियों को निकालकर कचरे के डब्बे में डाल दिया गया, ये वहां पर गए, उन्होंने उनको निकालकर बाहर रखा और वहां पर धरना करने लगे कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। 4 लोग आए, खुले में उनको गोली मारकर चले गए, पंजाब सरकार वहां पर खड़ी रही, कुछ नहीं किया उनका, बाद में उनको भाग के पकड़ा, छोड़ दीजिए इसको। उसी के बाद फिर एक और व्यक्ति था प्रदीप शर्मा, वो उसको भी इसी वजह से, हिंदू होने की वजह से मार दिया। उसी के बाद ये कांग्रेस के जो नेता है जिनकी जारकोली की हम बात कर रहे हैं, वो इस देश को गाली दे रहे हैं, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। उसी के बाद ये जो केजरीवाल के मंत्री हैं वो इस हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं और 10,000 लोगों को कह रहे हैं अल्पसंख्यक हो जाएंगे, और वो कह रहे हैं कि आज से 30 साल बाद सब अल्पसंख्यक हो जाएंगे, प्लीज रुक जाइए। उसके बाद
केजरीवाल से जब पूछा गया तो बोलते मैंने नहीं निकाला उनको, मैंने नहीं निकाला उनको, वो तो बीजेपी की वजह से निकल गए। यानी कि केजरीवाल चाहते हैं कि वो किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन करें। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप इतनी गाली हिंदुओं को दोगे तो वो क्या करें, वो चुपचाप बैठे रहे, अपने गले कटवाते रहे, कन्वर्जन करवाते रहे, ना बोले? धर्म की राजनीति कोई और नहीं कर रहा, ये विपक्ष वाले कर रहे हैं। और ये युद्ध है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कौरवों और पांडवों का धर्म और अधर्म का युद्ध है। इस धर्म के युद्ध में एक तरफ एक पार्टी, अधर्मी सारे एक तरफ है। किसी हिंदू का कत्ल करके कोई मुसलमान खुश हो, मैं उसे दरिंदा मारता हूं, और किसी मुसलमान का कत्ल करके कोई हिंदू खुश हो, मैं उसे भी दरिंदा मारता हूं। अच्छी बात है। हमारे देश की राष्ट्रभक्ति ये कि हमारे राष्ट्र का रहने वाले 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू, हम हिंदी है हिंदुस्तान में रहने वाले। आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि किसी के कत्ल पे किसी को खुश नहीं होना चाहिए। और आपने फिर एक बात बोली जिसको आपने पॉलिटिकली एक गेम खेला, उसके अंदर आपने बोला देखिए ये लोग जो है ऐसा कर रहे हैं। एक बात बताइए, सतीश जारकीहोली ये लोग हैं सतीश जारकीहोली कौन लोग हैं? एक सेकंड, मेरे को अपनी 10 सेकंड बात कंप्लीट करने देंगे सर। आपने मुंह में हाथ डाला तो जवाब सुनना पड़ेगा आपको। एक सेकंड सर, 10 सेकंड और। सतीश जारकीहोली कौन है? वो जो छत्तीसगढ़ की मेयर है वो कौन है? वो कौन सी पार्टी की नेता है, मैं जानना चाहता हूँ। वो जो व्यक्ति है जो कह रहा है कि माता सीता के बारे में अभद्र भाषा बोल रहा है, वो कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। वो लोग कौन है, उनका क्या लेना देना है भारतीय जनता पार्टी से, आरएसएस से? कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। पॉइंट ये है कि आपका निशाना कहीं और होना चाहिए, गलती कोई और कर रहा है, लेकिन आपका हेट आरएसएस और मोदी की तरफ इतना है कि आपको सिर्फ वही दिखते हैं। समस्या ये है, सतीश जारकीहोली कौन सी पार्टी से? अगर 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 दीन ईमान रखते हो तो खुल के बोलो, दीन ईमान रखते हो तो खुल के बोलो। इसलिए विरोध कर रहा हूँ, अगर कोई माता सीता के बारे में गोपाल इटालिया किस पार्टी का है, राजेंद्र गौतम किस पार्टी का है? सर एक चीज ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हिंदू के, उसमें ब्रह्मण द्वितीय अपराधे श्री श्वेत वाराह कल्पे, इसका अर्थ बता दे, इसी में पूरा सब कुछ है। इन्हें नहीं पता होगा, आप बता दीजिए कहाँ चक्कर में पड़ रहे, पूरा शो निकल जाएगा हमारा भाई। आप भी ऐसा टेस्ट ले रहे हैं, आप ऐसा टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं बता पाएंगे जवाब, बताइए, आप बता दीजिए। सर भारत वर्ष में आर जाति के बसने वाले ही हिंदू हैं, और उसको जो धर्म की प्रथा को चालने लाने वाले हैं हिंदू अनुयायी, वही हिंदू का अर्थ है। एक एक मैं एक जानकारी दे देता हूँ लोगों को, आप बैठिए, आप एक जानकारी दे देता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है संस्कृत, और अंग्रेज मतलब इंग्लिश स्कॉलर्स भी ये मानते हैं कि संस्कृत से ही कई भाषाओं का जन्म हुआ है। तो शायद संस्कृत भाषा, क्योंकि हम साइंटिफिक अगर बात करें, लॉजिकल बात करें, तो संस्कृत इतनी पुरानी भाषा है, इतनी प्राचीनतम भाषा है, इतनी सुंदर भाषा है कि उसने शायद कई भाषाओं को जन्म दिया है। हो सकता है कि जिन भाषाओं की बात आप कर रहे हैं उसकी जन्मदाता संस्कृति हो। अब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, अब एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ओके ओके।